तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के इस मंडे नाइट रॉक रिव्यू में। जो शो है वो खत्म हो चुका है और बात करेंगे शो के सारे रिजल्ट्स के बारे में। एक एवरेज शो था, कुछ चीजें तो काफी कमाल की भी देखने को मिली। आप लोगों के क्या ओपिनियंस रहे इस शो के बारे में डेफिनेटली मुझे कॉमेंट्स के अंदर बताएं गाइज, और लाइक कर दे फटाफट से इस वीडियो को, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक उतना ज्यादा होता है हमारा फायदा। स्टार्ट होता है शो सेथ रॉलिंस और डोमिनिक की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से, और किसने सोचा था साल 2020 में कि इस मैच की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हमें देखने को मिलेगी, और ऊपर से समोआ जो है वो कंडक्ट कर रहे थे साइनिंग को। तो एक काफी अच्छी सेगमेंट रही ओवरऑल, क्योंकि पहले समोआ जो आके बात करते हैं कि किस तरीके से सेथ रॉलिंस जो हैं, पहले सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हुआ करते थे, और क्योंकि लोग उनके अगेंस्ट हो गए सिर्फ इसकी वजह से जो है वो मंडे नाइट मसाया बन गए, एक ऐसा बंदा बन गए जो कि कोई भी देखना पसंद नहीं करता, और वो सारी चीजें यहाँ पे खराब कर रहे हैं रॉ के ऊपर। सेथ रॉलिंस हंसते हैं, वो कहते हैं कि मेरी गलती नहीं है, मैंने लोगों को बहुत सारी चॉइसेस दी थी, हर एक स्टेज पे चॉइस दी थी, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि मेरी कोई बात नहीं मान रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे डोमिनिक रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं कि सेथ तुम्हारा बहुत हो चुका है एंड आई एम गोइंग टू किक योर एस एट समर स्लैम। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और इसके बाद सेथ कहते हैं डोमिनिक को कि भाई तुम रिंग के बाहर जाके खड़े हो जाओ, मेरा मैच है अब हुम्बर्टो करियो के साथ, और तुम नोट्स लेना रिंग साइड बैठ के कि कैसे तुम मेरे को हरा सकते हो, जो कि तुम कर नहीं पाओगे, लेकिन तब भी तुम मेरे मैच में रिंग साइड रह सकते हो। और इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की सेगमेंट में एक चीज और इंपॉर्टेंट जो सेथ रॉलिंस ने बोली गाइस, वो ये कि डोमिनिक कुछ भी कर सकते हैं इस मैच के अंदर, चाहे वो लेकर आ सकते हैं कैंडो स्टिक्स या फिर कोई भी और वेपन समर स्लैम वाले मैच में, और शायद मुझे लगता है इसका मतलब ये है कि डोमिनिक एक नो डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं इस मैच में कम्पीट अगेंस्ट सेथ रॉलिंस एट समर स्लैम। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। मैच होता है सेथ रॉलिंस का अगेंस्ट हुम्बर्टो, वेल नॉट हुम्बर्टो, लुजर्टो कैरियो, जो कि कभी नहीं जीतते हैं इस पूरे शो पे। मुझे याद ही नहीं है कब हुम्बर्टो को आखिरी विक्ट्री मिली थी। अगर आप लोगों को याद है तो भाई आप लोग भगवान हैं, क्योंकि ऐसी चीज मैं तो बिल्कुल याद नहीं रख पा रहा हूँ। हुम्बर्टो यहाँ पे सेथ रॉलिंस से हार जाते हैं एक स्टॉम्प पे, और इसके बाद मर्फी अटैक कर देते हैं डोमिनिक को मैच के बाद, और जो चीज़ हमें इसके बाद देखने को मिली इट वॉज एब्सोल्युटली ब्रूटल, इट वॉज फैंटेस्टिक। और मुझे यहाँ पे तो है थोड़े से प्रॉप्स देने पड़ेंगे डोमिनिक को भी, क्योंकि भाई जिस तरीके से पिटाई करी सेथ रॉलिंस ने यहाँ पे डोमिनिक की कैंडो स्टिक से, मजा आ गया देख के। मतलब एक समय पे तो मुझे डोमिनिक के लिए बुरा लग रहा था कि भाई कितना मारेगा इसको ये, और रुक जा भाई अब कितनी इसकी बुरी हालत कर दी। रोप्स में हाथ बांध के दोनों तरफ से बजाए जा रहे हैं कैंडोस्टिक डोमिनिक के ऊपर, और जो उनकी बैक की फोटो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो उनकी चेस्ट की फोटो, मतलब इनक्रेडिबली ब्रूटल था ये सेथ रॉलिंस का अटैक डोमिनिक के ऊपर। पूरा जो है उनके निशान जो कैंडोस्टिक के क्लियरली हमें दिख रहे थे, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई रेसलिंग जबकि स्क्रिप्टेड होती है फेक बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे दिखता है कि डोमिनिक ने कितना ज़्यादा जो है वो पिटाई को सहा, और ऊपर से कितना दर्द उनको हुआ होगा उस चीज़ से वो क्लियरली टीवी पर भी दिख रहा था। ऐसा नहीं है कि वो निशान मेकअप से बनाए गए हैं, उसी समय वो थे, और जैसे जैसे टाइम निकलता है वो निशान और भी डार्क होते चले जाते हैं। तो कूडोस टू बोथ सेथ रॉलिंस एंड डोमिनिक, और मैं कहना चाहता हूँ कि मजा आ गया इस सेगमेंट को देख के। और ये जो मैच होने वाला है समर स्लैम के अंदर, इसके अंदर मुझे लगता है कोई ना कोई सरप्राइज हमारा अवेट कर रहा है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा, या फिर रे मिस्टीरियो का रिटर्न, इस टाइप की कोई चीज़ हमें देखने को मिल सकती है, तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एंजेलो डॉकिंस का मैच अगेंस्ट आंड्राडे। ऑब्वियसली लास्ट वीक इल्जाम लगाया गया था ये आंड्राडे और एंजल गार्जा के ऊपर कि उन्होंने पॉइजन करा है मॉन्टेस फोर्ड को, तो उसी के कंटिन्यूएशन में था, और एंजेलो डॉकिंस यहाँ पे हरा देते हैं आंड्राडे को, क्योंकि जेलिना वेगा की इंटरफेरेंस तो होती है, लेकिन पीछे से बियांका बिलेर आ जाती है उनको बचाने के लिए, और इसके बाद जेलिना वेगा का मैच भी होता है बियांका बिलेर के साथ, जो कि बियांका जीत जाती है। तो ये दो बैक टू बैक मैचेस थे, और इसके बाद हमें देखने को मिलती है अपोलो क्रूज कि वो आते हैं और एमवीपी के वीआईपी लाउंज को जो है वो इंटरप्ट करते हैं। तो एमवीपी यहाँ पे बात कर रहे होते हैं एक बार फिर से कि लाइट्स ने उनको हराया, ना कि अपोलो क्रूज ने, और अपोलो आके कहते हैं कि उनको जबकि इनसे कोई मतलब नहीं है, वो एक और मौका देना चाहेंगे एमवीपी को समर स्लैम के अंदर, और एक्चुअली में प्रूव करना चाहेंगे कि ये जो बहाने हैं एमवीपी के चलेंगे नहीं, और वो उनको फिर से एक बार हरा सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे अपोलो क्रूज और शेल्टन बेंजामिन का भी हमें मैच देखने को मिलता है, जहाँ पे शेल्टन जीत जाते हैं आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से, जो है थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से शेल्टन को एक विक्ट्री मिल जाती है। और मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि बॉबी लैशली आते हैं रिंग के अंदर, और वो अपनी फुल नेल्सन लॉक जो है वो लगाने की कोशिश करते हैं अपोलो क्रूज, लेकिन एमवीपी उनको यहाँ पे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ये बंदा 100% फिट चाहिए समर स्लैम के लिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, पिछली बार भी हमने इसको इंजर्ड करा था तो ये कम्पीट नहीं कर पाया था, मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर से ऐसा ही हो, मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी चाहिए
सामर स्लैम में, तो लैशली उनको छोड़ते हैं और अपोलो यहाँ पे ऐसा लगता है कि बेसिकली उनको एक किक मारते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो अपोलो ने मजे ले लिए यहाँ पे द हर्ट बिजनेस के और ये चीज काफी हमें देखने को मिली सही मंडे नाइट रॉ के ऊपर। इसके बाद गाइस बैक स्टेज पे रेट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलती है कि वो एंटर हो रहे हैं अरीना में धीरे धीरे और वो ग्लास तोड़ रहे हैं। पीछे उन्होंने गाड़ी पलटा दी, पता नहीं किसकी गाड़ी थी, वो कौन था उसके अंदर हमें कोई आइडिया नहीं है। और पूरे शो में आज भी जो लाइट्स हैं वो फ्लिकर हो रही थी, ऑन ऑफ हो रही थी, तो ये जो कंटिन्यूएशन है दिखाई गई है। लेकिन ऑब्वियसली स्मैकडाउन जितना केओस हमें नहीं देखने को मिला कि रिंग के अंदर आ गए, स्प्रे पेंट चला रहे हैं और रोप्स काट दी सौ से लेके, मतलब उतनी रेट्रीब्यूशन की आज हमें डोमिनेशन नहीं देखने को मिली। लेकिन ये बात अच्छी है क्योंकि अगर हर शो पे ऐसा होगा तो वो चीज़ बहुत जल्दी बोरिंग हो जाएगी। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है मिकी जेम्स का रिटर्न। टॉक अबाउट मेकिंग न्यू स्टार्स, मिकी जेम्स इज बैक ऑन WWE रॉ और वो बैक स्टेज कन्फ्रंट करती है नैटालिया और लाना को और यहाँ पे बेसिकली वो चैलेंज कर रही है मिकी जेम्स काइंड ऑफ नैटालिया को नेक्स्ट वीक एक मैच के लिए। तो जेम्स वापस आ चुके हैं, आप लोग अपने ओपिनियंस इसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद द वाइकिंग रेडर्स रिकोशे एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर अगेंस्ट अकीरा टोजावा एंड हिज निंजास, किसी को फर्क नहीं पड़ा इस मैच से और बेसिकली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अकीरा टोजावा भी अपने अपोनेंट से डर रहे हैं। उसका निंजा कह रहा है नहीं भाई तू जाके लड़, अकीरा कह रहे हैं तू जाके लड़, तो अकीरा वहां से चले गए और उनकी टीम हार गई। और हमें देखने को मिलता है कि ये निंजा जो उनको फोर्स कर रहा था ये और कोई नहीं बल्कि आर्ट ट्रूथ थे और आर्ट ट्रूथ उनको रोल अप करके जो है इस मैच को भी जीत जाते हैं एंड में और 24/7 चैंपियनशिप जो है यहाँ पे हासिल भी कर ली उन्होंने। तो पता नहीं कितनी बार जीत चुके हैं, 40 बार जीत चुके हैं, आई डोंट नो, ये एक बहुत बोरिंग चीज हो चुकी है मेरे लिए अब टीवी के ऊपर। एंड आई रियली फील कि 24/7 चैंपियनशिप को कुछ नई डायरेक्शन दी जाए, सेम चीज़ रिपीट करे जा रहे हैं बार बार जिससे कुछ खास फायदा हो नहीं रहा। इसके बाद गाइज हमें देखने को मिलता है पेटन रॉयस का मैच अगेंस्ट लिव मॉर्गन और यहाँ पे वो रूबी राइट के साथ आती हैं ऑब्वियसली। और राइट स्क्वाड जबकि ऑफिशियली मुझे नहीं लगता कि अभी रीयूनाइट हुआ है लेकिन इसके टीजेस हमें देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे रूबी राइट हेल्प करने की कोशिश करती है लिव मॉर्गन को लेकिन लिव मॉर्गन को वो बचा नहीं पाती, अनसक्सेसफुल रहती हैं अपने अटेम्प्ट के अंदर जिसकी वजह से पेटन रॉयस इस मैच को जीत जाती हैं। आप लोग जानते हैं कि मुझे आइकॉनिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, आई होप आपको भी पसंद ना हो क्योंकि जिस तरीके का उनका रोल है टीवी के ऊपर, जिस तरीके की क्रिंज है वो टीवी के ऊपर, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन लिव मॉर्गन और रूबी राइट को किस तरीके से आगे लेकर जाया जाएगा, आई थिंक ये एक अच्छे टैग टीम बन सकते हैं, टैग टीम टाइटल्स के अंदर इनको इन्वॉल्व करा जा सकता है विमेन के, तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन आज जो है लिव मॉर्गन अपना मैच हार गई। इसके बाद गाइस शेना बेसलर हमें देखने को मिलती है लेकिन रिंग के अंदर नहीं बट एट रॉ अंडरग्राउंड। तो पहले मल्टीपल मैचेस देखने को मिलते हैं रॉ अंडरग्राउंड के, वही सेम फील है लास्ट वीक वाली, शेन मिकमैन है वहां पे काइंड ऑफ एक मॉडरेटर की तरह एक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे वो जो जायंट है जिसका नाम है डब्बा काटो, आई स्टिल डोंट बिलीव दैट हिज नेम इज डब्बा काटो, बट जो भी है वो लड़ रहे होते हैं रिंग के अंदर और शेना आ जाती है वहां पे। तो शेन मिकमैन कहते हैं कि भाई तुम जाओ यहाँ से, शेना को अब रिंग जो है वो पूरी दे दो और शेना कहती है कि कौन मुझसे लड़ेगा और साइड में जो भी विमेन सुपरस्टार होती हैं उनको खींच खींच के लेके आती हैं रिंग के अंदर और उनकी पिटाई कर देती हैं यहाँ पे। तो एक अच्छी चीज जो कि लास्ट वीक मैंने मेंशन कर दी थी कि विमेन सुपरस्टार्स को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए ताकि उनकी जो फाइटिंग स्किल्स हैं यहाँ पे हमें देखने को मिले और थोड़ा बहुत ये भी आइडिया हमें लग सकता है कि कितना ब्रूटल लेंथ तक WWE को लेकर जा सकती है। तो शेना बेजलर एब्सोल्युटली अमेजिंग मुझे लगा, ये अच्छी चीज लगी आज के शो पे। इसके बाद आस्का का मैच होता है बेली के साथ और इसमें स्टिपुलेशन ये थी कि अगर आस्का इसको जीतती है तो साशा बैंक्स के साथ उनका मौका मिलेगा टू फाइट एट SummerSlam फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप और बिल्कुल वैसा यहाँ पे आस्का ने करा, टैप आउट करा दिया स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेली को विद एन आस्का लॉक और वो बन चुकी है यहाँ पे नंबर वन कंटेंडर। एक अच्छा मैच था, साशा ऑब्वियसली कोशिश कर रही थी इंटरफेयर करने की, वो चीज काम नहीं आ पाई और मुझे लगता है कि साशा अपना टाइटल ड्रॉप करने वाली है पहले SummerSlam के अंदर और वो बेली को भी कॉस्ट कर देंगे उनका टाइटल और शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें ऐसा देखने को मिलेगा जो कि फाइनली इनके ब्रेकअप के लिए लीड कर सकता है। तो वो मोमेंट काफी पास आ रही है जिसका हम इतने समय से वेट कर रहे हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। इसके बाद मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन अगेंस्ट केविन ओवेंस का मैच, एक अच्छा खासा मैच था लेकिन फिर से मैं वही बात बोलूंगा, रैंडी ऑर्टन जितने कमाल लग रहे हैं रॉ पे वो तो तारीफ वाली बात है ही लेकिन दूसरी तरफ केविन ओवेंस का यूज कितना बेकार तरीके से करा जा रहा है इसके ऊपर मैं इतना एम्फसाइज भी नहीं कर पा रहा। मतलब केविन ओवेंस SummerSlam जैसे पेपर व्यू में जा रहे हैं, उनके पास कोई फ्यूड नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है और ये देख के मुझे बहुत बकवास लगता है और पता लगता है कि WWE बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही केविन ओवेंस को यहाँ पे पुश करने के लिए। तो ऑर्टन उनसे जीत जाते हैं आरकेओ लगाकर और मैच के बाद वो रिक फ्लेयर को कहते हैं तुम रिंग के अंदर रुको मुझे कुछ बात करनी है और वो यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से रिक फ्लेयर उनके लिए एक आइडल रहे हैं इतने सालों से एवोल्यूशन के अंदर। लेकिन वो कहते हैं अब जाके मुझे समझ आई कि रिक ने तब मेरे को अपनी टीम में इसलिए लिया था
क्योंकि वो अकेले उस समय कुछ नहीं कर पा रहे थे और वो कहते हैं कि जो चीज़ें मैंने देखी हैं इन चीज़ों की वजह से मैं अब तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ और प्रॉबेबली तुमने मुझे अपनी टीम में इसलिए भी लिया था क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं वो बेटा बनूँ तुम्हारा जो कि तुमको कभी मिला नहीं। एंड दिस वॉज अ वेरी 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 हार्ड लाइन और रिक फ्लेयर के आंसू निकलने लग गए थे। यहाँ पे रिक फ्लेयर फिर रैंडी ऑर्टन की तारीफ करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आई लव यू और तुम ग्रेटेस्ट रेस्लर हो इसीलिए मैं तुम्हें इसके लिए प्रेज करता हूँ। और ऑर्टन बेसिकली उनको पहले गले मिलते हैं और रिक जब उल्टा मुड़ते हैं तो ऑर्टन उनको लो ब्लो कर देते हैं और उसके बाद एक पंट किक लगा देते हैं। तो ब्रूटल 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 रिस्पॉन्स यहाँ पे रैंडी ऑर्टन की तरफ से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी एज है, कौन है, दोस्त है या दुश्मन है, रैंडी ऑर्टन इज गोइंग टू डू व्हाट रैंडी ऑर्टन वांट्स टू डू और ये चीज उनके कैरेक्टर को और भी यहाँ पे कमाल बनाती है। मैकइंटायर आते हैं बाहर भागते हुए और वो रिक फ्लेयर पे चेक कर रहे होते हैं लेकिन ऑर्टन वहां से चले जाते हैं और मैकइंटायर काफी खुंदक में लगते हैं। तो ये मैच की बिल्ड भी धीरे धीरे अच्छी होती चली जा रही है और आज ये दो चीजें बिल्कुल हाईलाइट थी शो पे। इनफैक्ट तीन, जिनमें से पहली थी शेना बेजलर, दूसरे थे रैंडी ऑर्टन और ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस जो कि मेरे हिसाब से वो नंबर वन स्पॉट ले जाते हैं आज के शो पे। तो गाइस ये थे मंडे नाइट रॉ का मेरा रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, अपने ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।